ये सब मेरी मोहब्बत और प्यार की खातिर कर रही हो तो मैं खुश नहीं होऊंगा, बल्कि मैं परेशान हो जाऊंगा, उलझ जाऊंगा बेटा। डैडी, इसकी वजह से मैं आप लोगों से बहुत दूर हो गई थी, नहीं रह सकती आपके बगैर। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। ये क्या तमाशा है सोफिया? तुमने शादी को मजाक समझ रखा है? पहले अपने बचपन के मंगेतर अहमर के साथ रिश्ता तोड़ दिया, और वो भी उस वक्त जब शादी के कार्ड छप गए, फिर अपनी मर्जी से अदीत से तुमने शादी कर ली, अब उसके साथ भी रिश्ता तोड़ना चाहती। अब खानदान में हमारी इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल रख लो। देखो बेटा, हम ज़िनी तौर पर हदीद को अपना दामाद तस्लीम करने को तैयार है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम हमारी इज्जत का ख्याल रखोगी। लेकिन डैडी। बस बेटा, कोई और बात मत कर। घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है।